Hello, I am Jyotika, a private tutor for psychology. Welcome to excellingpsychology.com. पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं कि स्किजोफ्रेनिया किस डिसऑर्डर का नाम है, उसके लक्षण क्या है, बहुत डिटेल में हमने देखा है. वो क्लासेस देखने के बाद ही आप इस लेसन पर आए, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया और किसी भी डिसऑर्डर को टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स. क्या हो जाता है, कुछ जैसे हमने देखा स्किजोफ्रेनिया के कितने सिम्टम्स हैं, तो कुछ सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं, ज्यादा दिखते हैं इन सम पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर, और कुछ लोग जिन्हें डिसऑर्डर होता है उनमें दूसरे सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आते हैं. तो ऑन दैट बेसिस हम टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं. एज साइकोलॉजिस्ट ये बहुत यूजफुल रहता है समझने के लिए डिसऑर्डर को और बारीकी से, कि ये ही सिम्टम्स कुछ लोगों में क्यों प्रोमिनेंट हो रहे हैं, क्यों शेयर हो रहे हैं, मतलब बहुत लोगों में यही सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं. तो हमें अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में भी आसानी होती है. आप इन जनरल स्किजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट अगर डेवलप करते हैं लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपकी ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी, वो लोगों को बेनिफिट नहीं कर पाएगी. तो इससे पहले आप इसके कॉजेस समझे, इसके ट्रीटमेंट समझे, आपको टाइप्स पता होने चाहिए. इसके बाद में आपको कॉजेस और ट्रीटमेंट बताई गई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट, क्योंकि पहले आप जान ले समझ ले कौन से सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते कुछ लोगों में जिसके हिसाब से प्रकार है, और फिर आप जानिए ऐसे ही सिम्टम्स क्यों डेवेलप होते हैं, या फिर ऐसे सिम्टम्स जब डेवेलप होते तो उनकी हेल्प हमें कैसे करनी. अलग अलग प्रकारों के हिसाब से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट होती है ऑफ एनी डिसऑर्डर्स. स्किजोफ्रेनिया में भी यही अप्लाई होता है. पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया. तो क्रेपलिन, जिनका नाम हमने पहले भी देखा है, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था इस डिसऑर्डर को और हमें हेल्प की थी इन अंडरस्टैंडिंग द डिसऑर्डर. उन्होंने तीन सब टाइप्स बताए थे स्किजोफ्रेनिया के, अगेन बेस्ड ऑन सबसे ज्यादा कौन से सिम्टम्स दिखते हैं इन एवरी टाइप. तो पैरानॉइड बताया उन्होंने, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कैटाटोनिया. अगर आपने पिछले क्लासेस देखे हैं तो ये टर्म्स आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ. पैरानॉइड मतलब शक शकी होना, सस्पिशियस होना, तो जिसमें सस्पिशन ज्यादा डोमिनेंट है, और सस्पिशन इन द सेंस ऑफ व्हाट, पैरानॉइड डिल्यूशंस. तो जिन लोग जो स्किजोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं उनमें पैरानोया या सस्पिशियसनेस के डिल्यूशंस अधिकतर सबसे डोमिनेटिंग फीचर है, उन्हें क्रेपलिन ने इस कैटेगरी में डाल दिया. फिर डिसऑर्गेनाइज हमने देखा था, जो सिम्टम्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी एक्सेसिव होते कभी कम होते हैं, तो जिन लोगों में ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है उन्हें हम डिसऑर्गेनाइज में डाल देते हैं. उन्हें ना हम पॉजिटिव में आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना नेगेटिव में, और ये डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स जैसे कि एक्सट्रीम मूवमेंट, नो मूवमेंट के बीच में वो लोग स्विंग होते रहते हैं, या बहुत इमोशन दिखाते हैं, कभी दिखाते ही नहीं है, इसके बीच में स्विंग होते रहते हैं, तो हमें कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिखता है उनके बिहेवियर में, तो उन्हें हम इस कैटेगरी में डाल देंगे. और तीसरा है कैटाटोनिया, ये हमने देखा था जिनमें मोटर मूवमेंट रिलेटेड जो सिम्टम्स है, या तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं बहुत कम करते हैं, और ये सबसे प्रोमिनेंट दिखता है, सबसे ज्यादा टाइम और सबसे इंटेंस ये सिम्टम्स हमें उनमें नजर आते हैं, उन्हें क्रेपलिन ने कहा कि हमें उन्हें कैटाटोनिया टाइप में डाल देना चाहिए. अब जहां तक DSM द फोर्थ वर्जन रहा है वहां तक ये सब टाइप्स को माना गया है फॉर डायग्नोसिस, इन्हें यूज भी किया गया है, लेकिन जब से DSM-5 आया है तो इन सब टाइप्स को हटा दिया गया है, क्योंकि पाया गया है कि हाँ कुछ सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कुछ स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, लेकिन फिर दूसरे सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट इक्वली प्रोमिनेंट, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं और लोगों को देखते हैं उस स्किजोफ्रेनिक्स को, तो उतना क्लियरली भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यही सिम्टम सबसे डोमिनेंट है. ऐसा लगता है कि कभी कभी ये सिम्टम भी डोमिनेट हो रहा है, कभी वो, ये ज्यादा दिख रहा है कभी वो ज्यादा, तो क्लियरली हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते को कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है. इसके अलावा ओवरलैप हो जाता है सिम्टम्स में, इस सेंस में कि सिम्टम्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, वी कैन नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश देम,
तो मूवमेंट्स भी ज्यादा है किसी में, जैसे हमने देखा कैटाटोनिया, लेकिन फिर हम देखते हैं उसकी स्पीच भी एक्सट्रीम हो रही है, कम हो रही है. तो इट सीम्स एवरीथिंग इज रिलेटेड. जैसे हमने स्पीच देखा था, मैंने आपको तभी भी बोला था कि स्पीच भी एक टाइप का मूवमेंट है, उसमें वोकल कॉर्ड्स मूव होते हैं. तो फिर जो कैटाटोनिया दिखा रहे हैं वो स्पीच वाले सिम्टम्स भी दिखाएगा. तो साइकोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल हो जाते हैं टू आइडेंटिफाई कि ये कैटाटोनिया के अंडर डाला जाए इसको, किस दिस ऑर्गेनाइज टाइप के अंडर डाला जाए. तो बिकॉज प्रैक्टिकल में इस डायग्नोसिस को इतना क्लियर कट डिस्टिंग्विश करने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए द फिफ्थ वर्जन ऑफ DSM में इस तरह के सब टाइप्स को डिलीट कर दिया गया है. और क्या नेचर है फिर डायग्नोसिस का, वो हमने देखा था. हमने DSM के क्राइटेरिया देखे थे, स्किजोफ्रेनिया के अंडर डाले गए हैं सिम्टम्स, और हमने देखा था कि जो टॉप 3 सिम्टम्स थे वो उनमें से एक मंथ के लिए कितने कौन से होने चाहिए, 6 month पीरियड में कैसे रेजिडुअल दिखने चाहिए, वो सब आप पिछले क्लास में देख लीजिए. तो अब DSM में उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. तो अब हम देखते हैं पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया क्या है. अभी क्या है DSM में, हालांकि ये टाइप के अब हमें नहीं मिलते हैं, मतलब डायग्नोसिस के लिए हम यूज नहीं करते हैं इन टाइप्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया को, तो भी एज आई टोल्ड यू बिफोर, अंडरस्टैंडिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि विच आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स और वो कौन से टाइप में फॉल कर रहा है, चाहे वो डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई करने में आप यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो. फिलहाल तो आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप DSM-5 का ही यूज करेंगे. नंदलेस आपको ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है कि कौन से टाइप का स्किजोफ्रेनिया है, ओके, फॉर फर्दर गाइडेंस ऑफ ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप आ जाता है पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया. पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया जो है, जैसे कि मैंने आपको याद दिलाया, पैरानोइड मतलब सस्पिशियस होना. हमने देखा था पैरानोइड डिल्यूशंस है कुछ लोगों को जो स्किजोफ्रेनिया से सफर होते हैं. तो पैरानोइड कॉमन टाइप के डिल्यूशन है. तो ये वो डिल्यूशन होते हैं कि कोई मुझे हार्म करना चाहता है, कोई मुझे डैमेज पहुंचाना चाहता है. तो जिन्हें इस तरह का स्किजोफ्रेनिया होगा, ये पैरानोइड डिल्यूशन मैक्सिमम हम देखेंगे. साथ ही में हम दूसरे सिम्टम्स भी देखेंगे, और टाइप के डिल्यूशन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, ये सब भी देखेंगे, लेकिन वो कम इंटेंस होंगे और इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पाए जाएंगे जितने पैरानोइड डिल्यूशन पाए जाएंगे. तो किस तरह के पैरानोइड डिल्यूशन होते हैं, हमने पहले भी देखा, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इंसान को लगता है कोई उसे देखता जा रहा है, उसे घूरता जा रहा है, उसे स्टॉक कर रहा है, उसे उसका पीछा कर रहा है, उसे परेशान करने के लिए वो जो भी करता है, ये जो जिसे स्किजोफ्रेनिया होता है वो समझता है उसे परेशान करने के लिए ही किया जा रहा है. तो ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया से जो सफर होते हैं उनमें. जब हम गहराई से उन्हें देखते हैं तो ये पाया जाता है उनके अंदर क्रिटिकल जजमेंट नहीं होती, रैशनैलिटी की कमी होती है, वो रीजन आउट नहीं कर पाते कि दूसरे लोग जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए मेरे जो पड़ोसी है वो बहुत मुझे वो कुछ लेकर आते हैं और हमारा जो कॉमन एंट्रेंस वे है उसे ब्लॉक कर देते, तो मैं समझती हूँ कि मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं. तो दैट कैन डेफिनेटली बी वन रीजन, लेकिन और भी रीजन होते हैं जो सामने वाला होता है. कभी वो इनसेंसिटिव होता है, वो सोचता नहीं ये सब काम करने के पहले, या उसके माइंड में होता है मैं जल्दी इसे हटा दूंगा, मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ. तो ये सब ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन सोचने के बदले जो स्किजोफ्रेनिक है वो डायरेक्टली जंप कर देता है टू द कंक्लूजन कि जो भी हो रहा है वो मेरे मुझे नजर में रखते और मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ही किया जा रहा है. तो इस तरह का इसे कहा जाता है पैरानिया. ना कोई बेसिस है ऐसी बिलीव्स रखने की, और चाहे और कितने भी आप उन्हें एक्सप्लेनेशंस दे दे, पॉसिबिलिटीज दे दे, वो फिर भी उसी बात को मानकर चलते हैं, जो हर डिल्यूजन का हमने देखा था एक प्रोमिनेंट फीचर है. इसके अलावा अक्सर ये जो लोग हैं जो पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया में आते, एक लक्षण उनमें ये देखा जाता है कि वो कहते हैं उनके सर में मन के अंदर कोई आवाज इन दिया है, देयर इज सम वॉइस जो उन्हें कहती रहती है कि दूसरों के प्रति तुम भी कुछ नुकसान पहुंचाओ, तुम उन्हें तकलीफ दो, वायलेंस करो उनके साथ. तो ये जो हमने देखा था ऑडिटरी हैलुसिनेशंस उनमें ज्यादा पाए जाते हैं. तो सबसे प्रोमिनेंट है पैरानोइड डिल्यूशंस. ऑडिटरी हैलुसिनेशंस भी बहुत कॉमन है इन पीपल हु हैव द डोमिनेंट फीचर ऑफ पैरानोइड सिम्टम्स डिल्यूशंस. इसके अलावा कह रहे हैं कि कंपेयर टू दूसरे जो हम देखेंगे आगे सब टाइप्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया, जिन्हें पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया होता है वो
थोड़ा सा उनका कॉग्निटिव लेवल हाई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए जो सिम्टम्स है पैरनिया के वो उतने सीरियस सीरियस है, डेफिनेटली डैमेजिंग भी है, उतने सीरियस नहीं है जैसे कोई अपनी ग्रूमिंग करना में ध्यान ना दे, बहुत डिसऑर्गेनाइज हो, इमोशंस पे कंट्रोल ना रहे, वो ज्यादा इंटरफियरिंग होते हैं, डीप लेवल तक इंसान को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं पैरानोइड जो है वो कंपेयर टू अदर्स, इसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर्सन का इंटैक्ट रहता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो काफी इंटेलिजेंस के साथ अपने डेली लाइफ में घूमता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो शक करता रहता है बहुत ज्यादा, इसलिए वो इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाता है, लेकिन कॉग्निटिवली इंटेलिजेंस वाइज वो काफी अच्छा फंक्शन करता है अपनी लाइफ में। और इसलिए प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस यानी ट्रीटमेंट से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की जो संभावना है वो काफी अच्छा है फॉर पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया, यानी कि कंपेयर टू अदर सब टाइप ज्यादा चांसेस है ये पर्सन नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगा वापस, स्किजोफ्रेनिया से काफी हद तक निकल जाएगा। फॉर दिस सब टाइप इट इज मोर चांसेस है। तो अगर समराइज करें पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया को, ये वो तरह का स्किजोफ्रेनिया है जिसमें सबसे डोमिनेटिंग फीचर है पैरानोइड डिल्यूशन, साथ ही साथ जाते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, और बाकी अगर सिम्टम्स है स्किजोफ्रेनिया के तो माइल्ड होते हैं कंपेयर टू दीज सिम्टम्स। साथ ही में हम ये देखते हैं कि इन लोगों की कॉग्निटिव फंक्शनिंग काफी इंटैक्ट है, इसलिए इनके इन पे ट्रीटमेंट सफल होने की संभावना बाकी सब टाइप्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया से काफी अधिक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज जो हमने सिम्टम्स देखे थे वही प्रोमिनेंट सिम्टम्स हो जाएंगे इन दिस प्रकार में। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पीच, जो कि हमने देखा था पर्सन जो बोलता है कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है, कभी बहुत कम, और उसकी स्पीच के ज्यादा मीनिंग नहीं निकल पाती, जो सुनता है उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, अगेन बिहेवियर का हमें मीनिंग नहीं समझ में आता और ऐसे लगता है पर्सन रैंडमली एक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर के क्या मोटिव्स है ये हमें समझ में नहीं आते। फ्लैट इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, वो जैसे उसे इमोशनल एक्सप्रेशन करना चाहिए, जो सही भावनाएं उसे व्यक्त करनी चाहिए किसी भी और लोगों के सामने अपने रिलेशनशिप्स में, वो नहीं करता। तो ये सब भी आप रिवाइज कर सकते पिछले वीडियोस में। तो ये सिम्टम्स जब प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो हमने देखे थे डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स, ये हम कह देते हैं कि डिसऑर्गेनाइज टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया है। ओरिजिनली इसे हेबिफ्रेनिया कहा गया था, हेबिफ्रेनिया भी हमने पहले देखा है व्हाट इट मींस, यानी कि जिसमें इमोशंस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो पहले उसे ये नाम दिया गया था। अब जो कि हम देखते हैं बिहेवियर और मूवमेंट्स ये सब भी बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज होती है, तो हमने एक ब्रॉडर टर्म दे दिया है इसको डिसऑर्गेनाइज स्किजोफ्रेनिया, तो मतलब इमोशन से भी अधिक है ये। इसके अलावा ये जब आता है, मतलब इसका कोर्स क्या है जो हम कहते हैं किसी भी डिसऑर्डर का, तो स्किजोफ्रेनिया में ये जल्दी आ जाता है, अब रियलाइज नहीं होता है पर्सन को कि कब आते, जल्दी मतलब अर्ली एज में आ जाता है, आ जाता है मतलब सडनली उसके बिहेवियर्स में दिखने लगता है, और धीरे धीरे मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड होने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में ये प्रॉब्लम्स नजर आने लगती, तो ग्रो होने लगती है पर्सन के अंदर, और थोड़ा कम कॉमन है। ये जो पैरानोइड हमने देखा था ये ज्यादा कॉमन टाइप सब टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया, ये थोड़ा कम कॉमन है। इसमें अगर हम पर्सन को देखें, क्योंकि हमें पता है कि हम आइडेंटिफाई स्किजोफ्रेनिया को करते या तो अर्ली अडल्टहुड में या लेट अडोलेसेंस में, लेकिन इससे हम देखेंगे और जब हम इसकी केस देखेंगे, बिकॉज जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है कोई आपके पास आता है, आप उसके पास्ट की भी जांच पड़ताल करते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी हिस्ट्री रही है ऑफ ऑड एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर, यानी बचपन से ऐसे अजीब तरह के व्यवहार जो दूसरों को स्ट्रेंज लगते हैं, जो नॉर्मल में फिट नहीं होते, ऐसे लोगों में जरूर पाए जाते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो मतलब एक इंडिकेशन होता है चाइल्डहुड से कि कुछ इसमें समस्या है, और बड़ा होके वो फुल फ्लेज्ड क्लियरली हमें नजर आने लगता है। तो यहाँ पे काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। ओके, तो बचपन में कहते हैं जैसे लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, अलग हो जाते हैं, इतने रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, फनेटिकल इश्यूज में उनका इंटरेस्ट आ जाता है, रिलीजियस इश्यूज में, और ज्यादा ही चिंतन करते हैं अपने लाइफ में फोकस के करने के बदले अजीब इश्यूज पे उनका फोकस आ जाता है, तो ऐसे बिहेवियर दिखते हैं। और जब पर्सन बड़ा हो जाता है तब भी बचपनों
बचपना जैसे सिम्टम्स दिखाने लगता है, गिगल करना, बच्चों की तरह रोना, बच्चों की आवाज में बोलना, तो विच इज नॉट एज अप्रोप्रिएट, ऐसे बिहेवियर्स दिखाने लगता है। तो ये सब जब कंबाइन होता है और साथ में माइल्डर सिम्टम्स भी दिखते हैं, माइल्डर इन द सेंस कि और सिम्टम्स भी दिखते हैं स्किजोफ्रेनिया, लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जैसे डिसऑर्गेनाइज। तो पर्सन कभी कभी हैलुसिनेट भी करेगा, उससे डिल्यूजन्स भी होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इसके एवरी डे लाइफ में वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज है विथ ऑल रिस्पेक्ट, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। इस केस में इफ वी सी, जैसे हमने पैरानॉइड में देखा था कि प्रोग्नोसिस अच्छा है, इस केस में पुअर है। अब आप ही सोचिए लॉजिकली क्यों पुअर है, क्योंकि अगर बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड है, पर्सन बहुत ज्यादा डिरेंज्ड हो गया इन एवरीडे एक्टिविटीज, तो उसका वापस निकलना और नॉर्मल पे आना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। उसे बेसिक सेंस नहीं रहा है हाउ टू बिहेव, उसके इमोशंस आउट ऑफ प्लेस है, वो ठीक से सोच नहीं रहा है, तो कैसे आप ट्रीटमेंट उसके साथ सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो प्रोग्नोसिस पुअर है और ये पर्सन का एवरीडे लाइफ मैनेज करना मुश्किल है, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, उसे हॉस्पिटल में रखने की जरूरत पड़ सकती है, विच वॉज नॉट द केस विद पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्वियसली यही से लक्षण देख सकते हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है तो आपको बेसिक हाइजीन लेवल से शुरू करते हुए मैच्योर थिंकिंग पर्सन में उसको एडल्ट के जैसे सोचना सिखाना पड़ेगा, तो काफी इंटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो था इसे अगर समराइज करें, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इमोशंस, थॉट्स, सब कुछ जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो हम उसे इस कैटेगरी में डाल देते हैं स्किजोफ्रेनिक पेशेंट को, और इसकी ट्रीटमेंट जो है मुश्किल है। इसके जो सिम्टम्स है बचपन से ही नजर आते हैं और ग्रेजुअली डेवलप होके काफी इंटरफेयरिंग और इंटेंसिव हो जाते हैं। अगला जो टाइप है वो है कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया। कैटाटोनिया मैंने आपको बोला था मूवमेंट से इमिजिएटली रिलेट कर लीजिए, यहाँ पे मोटर डिस्टर्बेंस सबसे प्रोमिनेंट फीचर है। तो मोटर डिस्टर्बेंस यानी पर्सन का मूवमेंट, या तो बहुत ज्यादा मूवमेंट, हरकत बहुत ज्यादा करता है या बहुत कम करता है, और फ्लक्चुएट भी कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा जब आप पर्सन को देखेंगे आप यही नोटिस करेंगे। तो एवरीडे लाइफ में भी, या वो आपके क्लिनिक में भी आया है, तब जो है वो रेस्टलेस है, एकदम बैठ नहीं पा रहा है, या एकदम पुतले के जैसे आपके सामने बैठ जाता है, और बहुत घंटों तक, जैसे हमने पहले देखा था दिनों तक भी ऐसे बैठा रहता है, तो ये कैटाटोनिया के अंडर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी हमने पहले देखा है, जो रबर लाइक मूवमेंट होते हैं, पर्सन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होके एक पोजीशन में आ जाता है और घंटों तक वैसे ही रहता है, तो ऐसे सिम्टम दिखेंगे। एकोलालिया, ये हमने पहले देखा, एकोप्राक्सिया, दूसरों के बिहेवियर कॉपी करना, दूसरों की बातें कॉपी करना, पैरट के जैसे उन्हें दोहराना, ये सब नजर आएगा। और ऑड मैनरिज्म, यहाँ पे ग्रिमेसिंग बताया गया, ग्रिमेसिंग यानी कि चेहरे पे बहुत सीरियस गंभीर भावनाएं आ जाती है, तो इस तरह के ऑड मैनरिज्म जो मूवमेंट रिलेटेड है, फेस में भी हमारे मसल्स होते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब रिएक्शन आप पता कर पाएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल भी ये सब बिहेवियर मैच नहीं करेंगे और बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट होते हैं। ठीक है, तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि वो जिसमें मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे अधिक है। इसके बाद हम आते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप, नाम से आप समझ सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड यानी हर प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हम क्लियरली नहीं बता पा रहे कि कौन सा सबसे डोमिनेंट है, तो हम इस टाइप में डाल देंगे। और ये कैटेगरी देखते ही आप समझ सकते हैं कि DSM-5 में कैटेगरीज क्यों हटाई गई, क्योंकि प्रैक्टिकली सब मोस्ट लोगों को अनडिफ्रेंशिएटेड में डालना पड़ रहा था, क्योंकि पैरानॉइड्स भी दिखा रहे थे, वो डिल्यूशन, डिसऑर्गेनाइज भी, कैटाटोनिया टाइम टू टाइम हर जगह वो फ्लक्चुएट हो रहे थे, क्लियर कट कोई भी लक्षण उनमें प्रोमिनेंट नहीं आ रहे थे, तो उन्हें इस कैटेगरी में डाल दिया जाता था। तो DSM-5 में सोचा कि माइट एज वेल रिमूव द सब टाइप्स। इसके अलावा एक टाइप होता है रेजिडुअल टाइप, इसे आप एक टाइप भी कह सकते हैं या एक फेस कहे स्किज़ोफ्रेनिया का तो बेटर है। इसमें क्या होता है, पर्सन जिसे पास्ट में हो चुका है स्किज़ोफ्रेनिया, एटलीस्ट एक एपिसोड हुआ, एक बार लाइफ में उसने बहुत ज्यादा वो सिम्टम्स दिखाए हैं जो हमने DSM में देखे थे, अब उससे कोई भी मेजर सिम्टम्स नहीं है, यानी कि नेगेटिव सिम्टम्स है अभी भी, रेजिडुअल भी हमने पहले देखा, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नेगेटिव सिम्टम्स अभी भी पर्सन को है, उसकी फीलिंग्स कम है, स्पीच कम है,
बिहेवियर्स कम है, ऐसे नेगेटिव मोटिवेशन नहीं है, प्लेजर फील नहीं करता, लेकिन हैलुसिनेशन डिल्यूजन होना बंद हो गए हैं या बहुत ही रेयरली होते हैं। जैसे प्रोफेसर जॉन नैश के केस में हमने देखा था 20 साल का पीरियड उनका रेजिडुअल रहा था। तो ऐसे लोगों को हम रेजिडुअल में डालते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? उन्हें हम फ्री ऑफ डिसऑर्डर नहीं डिक्लेयर करते, उन्हें हम मानते हैं कि रेजिडुअल है, चांस अभी भी है कि इन्हें अटैक पड़े फ्यूचर में। ठीक है, तो ये क्योंकि स्किजोफ्रेनिया जैसे जो डिसऑर्डर है हम आगे देखेंगे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ चुकी होती है ब्रेन में, तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पर्सन कभी भी फुली नॉर्मल हो चुका है। तो हमें हमेशा उसको एक संभावना रियलाइज करनी होती है कि उससे वापस हो सकता है। और अभी भी आप देखें तो जो सिम्टम्स है रेजिडुअल में नेगेटिव वाले, मतलब वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा है। तो क्या उसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी एट दिस टाइम? कुछ तो आपको साथ में मेडिकेशन या ट्रीटमेंट तो जारी रखनी पड़ेगी इवन व्हेन यू आर नॉट सीइंग प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम्स। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये अभी भी एक पेशेंट है आपका, ये अभी भी स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है, अभी भी इसे डेली लाइफ में मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। तो आप हमेशा जो पेशेंट बहुत टाइम तक भी आपकी ट्रीटमेंट के बाद बहुत टाइम तक वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है जो बहुत कंसर्निंग है, तो भी आप उसे रेजिडुअल टाइप में डालेंगे, उसे नॉर्मल डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके, लेट्स रिवाइज दिस सेक्शन, फिर अगले सेक्शन पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया। इन दिस सेक्शन व्हाट वी हैव सीन इज दैट बेस्ड ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स दैट आर सीन इन पेशेंट्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया इन डिफरेंट पेशेंट्स, द कॉमन सिम्टम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कॉमन प्रोमिनेंट सिम्टम्स अक्रॉस पेशेंट्स एंड दोज हैव बीन पुट इनटू टाइप्स। Types are very useful in understanding the disorder, the finities of the disorder better, and to develop appropriate treatment programs for different types of patients. Up to the fourth version of the DSM, these types were given much importance. Patients were diagnosed as having a particular type of schizophrenia. However, it was found that practically it was becoming difficult to diagnose patients with a particular type of schizophrenia. There was too much overlap between symptoms. And that is why from DSM-5, this classification or typification of schizophrenia has been eliminated. Nonetheless, psychologists do consider for their understanding and treatment of a particular patient's course of the disorder, which type he belongs to. In the sense, they just look out for which are the most prominent symptoms in the patient. So one type which they identify in schizophrenics is known as the paranoid type. In this, paranoid delusions or false beliefs of being harmed and harassed by others are the most common symptoms of the disorder. They are typically accompanied by auditory hallucinations or voices in the head which tell a person to act violent towards others. Besides this, we see very few and very and not much concerning other symptoms of psychosis, such as hallucinations and other type of delusions are seen with less frequency. Paranoid delusions are the most common feature in this type of schizophrenia. That is why it is said that the prognosis or chances of recovery in this case of people suffering from paranoid schizophrenia is quite good, better compared to other subtypes of schizophrenia. Also, the cognitive functioning of these people is found to be at normal levels. So this also makes prognosis possible. It's prognosis better. Then we have disorganized schizophrenia. In this type of schizophrenia, the most common symptoms or the most predominant symptoms are the disorganized type, which includes speech, movement, behavior, emotions. Everything is found to be disorganized. Other symptoms of schizophrenia are less prominent, less intensely seen, and less frequently seen. Such people are found to have a history of odd and eccentric behavior right from childhood. It is that such behaviors are detected early in the person, and these type of symptoms have an insidious onset. They come slowly and they take over the person's life. What is found is that in this type of schizophrenia, prognosis is very poor, especially if we compare with paranoid schizophrenia. But overall, also generally, the prognosis is very poor because the person's everyday life is severely affected, and so he needs very intensive treatment to be able to deal with this disorder. Institutionalization is often warranted in this subtype of the disorder. Then we have catatonic schizophrenia.
in which the dominant symptoms are movement related. So the person's movements are greatly affected in this type, subtype of schizophrenia. He shows either excessive movement or retarded movement. One prominent feature which we have seen earlier of catatonia that is frequently found in these patients, waxy flexibility. When the person shows rubber-like movements in his body, excessively flexible movements, and becomes fixated with them. In the case of catatonic schizophrenia, we also find symptoms like we've seen before, echolalia and echopraxia. The person shows many odd mannerisms, including inappropriate facial expressions in response to other people. Then we have an undifferentiated type of schizophrenia. So people who do not classify into any of the first three types because of lack of clarity in their symptoms are classified into this type of schizophrenia. Finally, we have what is called a residual type of schizophrenia. This is a phase where a person who was earlier suffering from schizophrenia has undergone treatment and has recovered to a great extent. Nonetheless, negative symptoms are still found in the person, and there is always a possibility that again he will show positive symptoms of schizophrenia. So the chances of remission are found in the person, and that is why the person is classified as a leftover type or residual type of patient of schizophrenia. Okay, so these were the subtypes. अब हम चलेंगे अगले सेक्शन में जिसमें हम देखेंगे अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स. आज आप पाएंगे चाहे मूड डिसऑर्डर्स हो, स्किजोफ्रेनिया हो, कोई भी हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक कंटिन्यूम में रखा जाता है. डिसऑर्डर जो है कैरेक्टराइज होते हैं और रिकग्नाइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स. अब जब हम एक डिसऑर्डर को रिकग्नाइज करते हैं तो उसमें जो सिम्टम्स है, जैसे स्किजोफ्रेनिया में हैलुसिनेशन डिल्यूशन है, उसके साथ हम एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करते हैं, हम एक इंटेंसिटी भी स्पेसिफाई करते हैं, जैसे आप DSM में देखते हैं. लेकिन ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनमें इन्हीं सिम्टम्स को लेके, जो इस डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज करता है, या तो टाइम अलग होता है, ड्यूरेशन फ्लक्चुएट हो जाता है लोगों के बीच, या फिर इंटेंसिटी सिम्टम्स के फ्लक्चुएट होते हैं, या नेचर ऑफ सिम्टम्स कुछ अलग अलग होते हैं. तो हम नहीं कह सकते कि ये जो दूसरा डिसऑर्डर है वो बिल्कुल ही अलग है स्किजोफ्रेनिया से. इनफैक्ट वो काफी मैचिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है विद द मेन डिसऑर्डर. इसलिए हम इसे एक स्पेक्ट्रम में या एक कंटिन्यूम में रख देते हैं विद द मोस्ट प्रोमिनेंट डिसऑर्डर जो हमने आइडेंटिफाई किया होता है अंडर दैट कैटेगरी. ठीक है, तो आज क्या कॉन्सेप्ट है डिसऑर्डर्स क्लासिफाई करने का, कि जो सिम्टम्स शेयर होते हैं अलग डिसऑर्डर्स में, उनमें से हम एक मेजर टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे डिप्रेशन हुआ या स्किजोफ्रेनिया, और जो और डिसऑर्डर्स है जिनके सिम्टम्स काफी हद तक इन मेन डिसऑर्डर्स से मैच करते हैं, तो इन्हीं के अराउंड उन डिसऑर्डर्स को भी प्लेस कर देते हैं. वी कॉल दैट होल डिसऑर्डर्स जो साथ में जा रहे, जिनके सिम्टम्स बहुत सिमिलर है, उनको हम कहते हैं एक स्पेक्ट्रम. इस चैप्टर के, इस यूनिट की शुरुआत में भी हमने देखा था कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स का एक स्पेक्ट्रम होता है. साइकोसिस में ही हमें ये लॉस ऑफ टच विथ रियालिटी वाले सिम्टम्स मिलते हैं, हेलुसिनेशंस, डिल्यूशंस, जो पर्सन के एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाने के वो कैरेक्टराइज करते, को रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्किजोफ्रेनिया सिर्फ वो डिसऑर्डर नहीं है जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसमें पर्सन वास्तविकता के टच से आउट हो जाता है. और भी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे कंसर्निंग, सबसे मेजर, सबसे डिफिकल्ट टू ट्रीट है स्किजोफ्रेनिया. सबसे मेजर है, सबसे प्रोमिनेंट डिसऑर्डर है इस कैटेगरी का. जो बाकी है वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व हो रहे हैं, तो साथ में रखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे की फीचर्स हैं उनमें जो बहुत अलग कर देते हैं इन्हें फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया. तो ओवरऑल नेचर सेम है विद स्किजोफ्रेनिया, जब बारीकी से देखते तो ऐसे फीचर्स होते कि हम इसे एग्जैक्टली स्किजोफ्रेनिया नहीं कह पाते. ऑल्सो वी आर नॉट सेइंग कि ये माइनर डिसऑर्डर्स है, दे आर नॉट कंसर्निंग, लेकिन स्किजोफ्रेनिया साइकोटिक के अंदर मेजर टाइप है. ये जो है हम इन्हें रिलेटेड डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, स्किजोफ्रेनिया से तो कम इंटेंस है. ओके, तो इस कैटेगरी में आ जाते हैं. दो तीन टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, हम सब देख लेंगे. एज जब आप स्टडी कर रहे हैं इन्हें, तो आप पाएंगे कि सिम्टम्स वही है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. ये जो मैं पर्टिकुलर डिसऑर्डर पढ़ रही हूँ, ये स्किजोफ्रेनिया से कैसे अलग है, ये आपको चेक करना है. और
बहुत ध्यान से देखना है कि डिफरेंस कौन सा है, वो ही आपको हेल्प करेगा टू नो कि ये डिसऑर्डर अलग क्यों है. सो द मेन चैलेंज हियर कंसेप्चुअली इज टू अंडरस्टैंड कि क्या फर्क है फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया. तो हमेशा व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट दीज डिसऑर्डर्स कंपेयर करते रहिए. अभी आपने इतने डिटेल्स में स्किजोफ्रेनिया पढ़ा है तो आप उसके बैकग्राउंड में उसे रखते हुए अपने माइंड में इन डिसऑर्डर्स को इजिली समझ भी पाएंगे और गहराई से समझेंगे जब आप स्किजोफ्रेनिया से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो चलिए स्किजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर जो है वो सबसे पहला है. स्किजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर में वही सिम्टम्स है जो स्किजोफ्रेनिया में है, लेकिन अंतर ये है कि ये थोड़े कम समय के लिए लास्ट करते कंपेयर टू स्किजोफ्रेनिया. स्किजोफ्रेनिया में हमने क्या देखा, लाइफ टाइम डिसऑर्डर है. एक बार स्टार्ट होता है तो वो एंड नहीं होता. ट्रीटमेंट भी होती है तो पर्सन रेजिडुअल फेज में चला जाता है, नेगेटिव सिम्टम्स उसमें फिर भी नजर आते हैं, लेकिन चलता तो वो पर्सन के लाइफ टाइम के लिए है. स्किजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर ऐसा है जो लाइफ में अफेक्ट करता है लेकिन लाइफ टाइम नहीं चलता है. तो एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए पर्सन को ये साइकोटिक सिम्टम्स कैच कर लेते हैं. तो हेलुसिनेशंस हुए, डिल्यूजन्स हुए, बिहेवियर प्रॉब्लम, मोटर प्रॉब्लम, एक फेस के लिए रहते उसके लाइफ में, लेकिन बाद में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आता. ऑलमोस्ट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होता बट मोर और लेस नॉर्मली. तो हम यहाँ पे क्या फर्क है फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया कि एक सेक्शन उसकी लाइफ अफेक्ट होती है विद दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या किया गया है, टू क्लियरली रिकॉग्नाइज, टू क्लियर कट डिफरेंशिएट करने के लिए एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि इतने टाइम अगर हमें साइकोटिक सिम्टम्स नजर आ रहे हैं स्किजोफ्रेनिया जैसे तो हम स्किजोफ्रेनी फॉर्म करें कहेंगे. अगर उससे ज्यादा नजर आते, एक्सीड हो जाता है तो हम उसे स्किजोफ्रेनिया कहेंगे. तो यहाँ पे द क्राइटेरियन इज 6 months. अगर 6 months के लिए स्किजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं लेकिन उसके बाद ये सिम्टम्स काफी हद तक गायब हो जाते हैं और पर्सन नॉर्मल हो जाता है तो हम कह देंगे इसे स्किजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर है. अब एक चीज आप पाएंगे कि स्किजोफ्रेनी फॉर्म का प्रेवलेंस काफी कम है, पॉपुलेशन में इतना ज्यादा ये डिसऑर्डर नहीं पाया जाता है क्योंकि जनरली ये डिसऑर्डर रहता नहीं है. ये लेटर, सूनर और लेटर जो हम कहते हैं, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फुल फ्लेज्ड स्किजोफ्रेनिया. तो इसे अक्सर एक प्रोविजनल डायग्नोसिस माना जाता है. प्रोविजनल क्या है, जैसे आप कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं फिर थोड़े महीने बाद आपको परमानेंट एडमिशन मिल जाती है. तो यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस दिया जाता है टू स्किजोफ्रेनी फॉर्म और थोड़े टाइम बाद ये पाया जाता है, मतलब पर्सन थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल हो गया फिर वो फुल फ्लेज्ड उसके अंदर स्किजोफ्रेनिया आ जाता है. यानी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आपको ऐसा पेशेंट मिलता है स्किजोफ्रेनी फॉर्म तो आप उसे प्रोविजनल दे देंगे. आप कहेंगे कि इस पर्सन को स्किजोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत हाई है और फिर आप कोशिश करेंगे कि प्रिवेंट हो जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर देंगे विद दिस पर्सन. ठीक है, तो स्किजोफ्रेनी फॉर्म क्या हो गया, स्किजोफ्रेनिया का एक ब्रीफ फॉर्म हो गया. ब्रीफ टाइम के लिए पर्सन को स्किजोफ्रेनिया हुआ तो हम कह देंगे उसे स्किजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर ने अफेक्ट किया है. इसके DSM-5 क्राइटेरिया भी हमें दिए गए हैं, आप बॉक्स में देख सकते हैं. वही है स्किजोफ्रेनिया जैसे ही है, तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी. मेन आप क्राइटेरियन बी देख लीजिए, लेस देन 6 months, एटलीस्ट 1 month के लिए सिम्टम्स होने चाहिए. 1 month से कम हुए तो एक अलग डिसऑर्डर है, हम बाद में देखेंगे. तो एटलीस्ट 1 month, कम से कम 1 month के लिए स्किजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स होने चाहिए और मैक्सिमम 6 months के, क्योंकि उसके आगे हुआ तो हम कहेंगे पर्सन को स्किजोफ्रेनिया है. ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल जो DSM में होते हैं क्राइटेरियन के, मेडिसिन की वजह से नहीं होना चाहिए, कोई और डिसऑर्डर की, यहाँ पे कह रहे डिप्रेशन या बाइपोलर की वजह से सिम्टम्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वरना मूड डिसऑर्डर कहलाया जाएगा या हम जो नेक्स्ट देख रहे वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा. वो डिसऑर्डर है स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर. ये टर्म ही स्किजो अफेक्टिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किजोफ्रेनिया एंड अफेक्टिव, यानी कि स्किजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर्स का ये कॉम्बिनेशन है. पर्सन को यहाँ पे साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं तो वो आउट ऑफ टच ऑफ रियलिटी भी हो चुका है, साथ ही साथ मूड प्रॉब्लम है, मूड फ्लक्चुएट होता रहता है तो डिप्रेशन भी है उसे, सॉरी फ्लक्चुएट होता है तो बाइपोलर है, यानी कि कभी कभी बहुत खुश नजर आता है और कभी कभी बहुत परेशान नजर आता है. तो वैसा आपने मूड डिसऑर्डर्स के होंगे वहां से कंपेयर कर लीजिए. और डिप्रेशन भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा वो सैड हो जाता है, गिल्टी, वो सब सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं, लो फेज में रहता है. ओके, तो दिस प्लस
आउट ऑफ टच ऑफ रियलिटी वाले सिम्टम्स होते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है ये डिसऑर्डर डायग्नोज करना, क्योंकि जिन्हें मेनिया होता है, अपने मूड डिसऑर्डर्स में पड़ा होगा, उनके सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक हेलुसिनेशन डिल्यूशन जैसे ही लगते हैं, और उनमें भी एक्सेसिव मूवमेंट्स भी होती है। तो साइकोलॉजिस्ट के बहुत कठिन है पता करना कि स्किज़ो अफेक्टिव है या सिर्फ मूड डिसऑर्डर है, लेकिन नंदलेस इसका एक थियोरिटिकल हमें डायग्नोसिस दिया गया है। स्किज़ो अफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया से कैसे अलग है, क्योंकि मूड एपिसोड नहीं होती स्किज़ोफ्रेनिया वालों, उनमें वो मेनिया और डिप्रेशन वाले एपिसोड्स नहीं होते, मूड फ्लक्चुएशन नहीं होते, उनका इमोशनल एक्सप्रेशन हमने देखा था अफेक्टेड होता है, राइट। और इसलिए हमने एम्फेसाइज किया था इमोशनल एक्सप्रेशन, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस हमने देखा था उनका नॉर्मल होता है, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल एक्सपीरियंस भी पर्सन का बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुका है, जैसे मूड डिसऑर्डर्स में होता है, ठीक है। तो ये आ जाता है अंदर स्किज़ो अफेक्टिव। अगर पर्सन को ये डिसऑर्डर होता है, अगेन प्रेवलेंस लो है, लेकिन अगर होता है प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, क्योंकि अगेन जो डिप्रेस लोग होते हैं, बाइपोलर होते हैं, आपने देखा होगा उनमें मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे ओवरलैप विथ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो कितना मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करने में आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर डिप्रेशन है, यानी कि एक्सेसिव नेगेटिव मोटिवेशन है, पर्सन दुखी रहता है, गिव अप कर चुका है लाइफ में, बाइपोलर में भी तो डिप्रेशन एक फेज होता ही है, विच इज मोर डोमिनेंट देन मेनिया, तो अगेन इस वजह से प्रोग्नोसिस पुअर होता है कि पर्सन मोटिवेटेड ही नहीं है अपनी लाइफ में कुछ। जैसे किसी को डिप्रेशन होता है वो नॉर्मल लाइफ के लिए ही मोटिवेटेड नहीं है कुछ अच्छा करने के लिए, तो अब वो अपने साइकोटिक सिम्टम्स में कहाँ से वर्क करेगा। इनफैक्ट डिप्रेशन जिसने होता है वो बहुत बार सुसाइडल होते हैं, ठीक है। तो पर्सन नहीं दिखाएगा कोऑपरेशन विद द थेरेपिस्ट या थेरेपी को फॉलो करने की कोशिश नहीं करेगा, तो प्रोग्नोसिस पुअर हो जाते हैं। ऑल्सो आप इमेजिन कर सकते एक डिसऑर्डर के बदले दो डिसऑर्डर है तो डबल द प्रॉब्लम हो गई, तो ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस जो है चांसेस ऑफ रिकवरी पुअर हो जाती है। इसका अगर हम DSM-5 क्राइटेरियन देखें तो सबसे पहला क्राइटेरियन है ऑफ मूड एपिसोड, यानी मूड एपिसोड ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले क्लिनिशियन नोट करेगा कि इसे मूड प्रॉब्लम है, यानी बाइपोलर है या डिप्रेशन है। सेकंड वो देखेगा कि इसे डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो रहा है, यानी कि डिल्यूजन हेलुसिनेशन की फीचर हो गया टू एड दैट स्किज़ो टू द अफेक्टिव डिसऑर्डर। एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए ये वाले सिम्टम्स होने चाहिए, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो जब ये कॉम्बिनेशन पाया जाएगा तब जो क्लिनिशियन है वो कह देंगे कि इसे स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर जो है सी में आप देख सकते हैं, सी क्राइटेरियन में एम्फेसाइज किया गया है कि खासकर जब हम रेजिडुअल पीरियड भी देखें, तो एक्टिव तो है ही, रेजिडुअल पीरियड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया देखें, मूड एपिसोड प्रोमिनेंट होना चाहिए उसमें, वरना क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा मूड फ्लक्चुएशन है वो तो नेगेटिव सिम्टम है एज इट इज, पर्सन एक्सप्रेशन एंड ऑल इतना नहीं करता ऑफ इमोशंस, लेकिन मूड जो है हमें उसका एक्सपीरियंस दिखना चाहिए कि वो वाकई बहुत ज्यादा डिप्रेस है, ये हमें दिखना चाहिए इवन वेन हेलुसिनेशन और डिल्यूजन नहीं हो रहे हैं इवन एट दैट टाइम, एंड जब हो रहे हैं इवन एट दैट टाइम, तो एक्टिव में भी और रेजिडुअल में दोनों में हमें मूड एपिसोड प्रोमिनेंट नजर आनी चाहिए, काफी टाइम तक रहनी चाहिए, ठीक है, तो ही हम कहेंगे स्किज़ो अफेक्टिव है। और फिर वो जो होते हैं टिपिकल क्राइटेरियन के मेडिसिन की वजह से नहीं होना चाहिए, ड्रग अब्यूज की वजह से कोई भी सिम्टम्स इनमें से नहीं होने चाहिए ऑफ द पर्सन। अगर पर्सन को स्किज़ो अफेक्टिव है तो आपको एज ए क्लिनिशियन स्पेसिफाई करना होता है बाइपोलर टाइप है या डिप्रेशन टाइप है, यानी कि जब उससे वो हेलुसिनेशन डिल्यूजन होते तो एक्टिव फेज में और रेजिडुअल फेज में क्या वो डिप्रेशन के सिम्टम दिखाते हैं, यानी सिर्फ वो डिप्रेस्ड रहता है या वो फ्लक्चुएट करता रहता है बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन, ये आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते स्किज़ो अफेक्टिव ऑफ विच टाइप, ये आपको बोलना पड़ता है स्किज़ो अफेक्टिव ऑफ बाइपोलर टाइप या स्किज़ो अफेक्टिव ऑफ डिप्रेस्ड टाइप। तो ये हो गया स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन प्रैक्टिकल में इसके लक्षणों की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है इन डायग्नोसिस। अगला आ जाता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, अगेन इजी टू अंडरस्टैंड, डिल्यूजन तो हम देख ही चुके हैं क्या होते हैं, डिल्यूजन सबसे कॉमन फीचर भी है स्किज़ोफ्रेनिया के 90% पेशेंट्स में नजर आता है।
तो आप सोचेंगे अलग से ये डिसऑर्डर क्यों बताया गया है, क्योंकि अक्सर पाया गया है, काफी कॉमनली इनफैक्ट आजकल पाया जाएगा, लोगों को डिल्यूजन होते हैं लेकिन बाकी सिम्टम्स नहीं होते ऑफ स्किजोफ्रेनिया, तो उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो बाकी सिम्टम्स अगर होते भी है, बाय चांस हेलुसिनेशन है या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, ऐसा कुछ भी है तो बहुत बहुत रेयर होता है, इतना वो कंसर्निंग या इतना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करते हैं वो सिम्टम्स। तो डिल्यूजन ही मेन फीचर है एंड मोस्टली हमें डिल्यूजन ही दिखते हैं। तो अब डिल्यूजन डिसऑर्डर के प्रकार कौन से होंगे, विद इन डिल्यूजन डिसऑर्डर जो हमने टाइप्स ऑफ डिल्यूजन देखे थे वही प्रकार है, तो विल जस्ट रिवाइज क्विकली। तो जब पर्सन को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, उसे पर्सिक्यूटरी डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें उसे लगता है कि दूसरे लोग उसे हार्म करना चाहते हैं, यानी कि पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन मेन सिम्टम है उसका। इरोटोमेनिया हो सकता है जिसमें पर्सन को लगता है कि कोई जो उससे हायर स्टेटस का पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो उससे प्यार करता है, ये गलत फहमी है उसको, ये डोमिनेंट हो सकता है। जेलस टाइप हमने देखा था, शक करता है रोमांटिक सेंस में कि जो उनके स्पाउस है या जिन्हें वो डेट कर रहे हैं वो किसी और से प्यार करते हैं, ये डिल्यूजन हो जाता है उन्हें। सोमैटिक टाइप हमने देखा था जिसमें पर्सन को लगता है उसके कोई इंटरनल ऑर्गन्स चले गए हैं या उसे कोई बीमारी है, ये डिल्यूजन हो जाता है। मिक्स टाइप यानी कि अलग अलग डिल्यूजन्स हमें नजर आएंगे पर्सन में, मोर देन वन, और अलग अलग में वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो कोई भी टाइप का डिल्यूजन प्रोमिनेंट हो सकता है इस डिसऑर्डर में, उस बेसिस पे हम डायग्नोस कर लेंगे कि कौन सा डिल्यूजन डिसऑर्डर है पर्सन को। बिलीव्स जो होते हैं पर्सन के वो, या फिर से एम्फसाइज किया गया, बिलीवेबल होते हैं बट इतने बट ट्रू नहीं होते, यानी कि कॉन्ट्री एविडेंस होता है, सबूत होता है कि उसके बिलीफ ट्रू नहीं है, मगर जब आप सुने तो लगता है प्लॉजिबल है, हो सकता है किसी की वाइफ का अफेयर है, हो सकता है कोई किसी से प्यार करता है, दैट इज नॉट एन इशू। तो यहाँ पे अब ये क्यों एम्फोसाइज किया गया, क्योंकि अगर स्किजोफ्रेनिया से कंपेयर किए, एक तो उसमें दूसरे सिम्टम्स भी डोमिनेटिंग होते हैं, और स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट को यही टाइप के डिल्यूजन जो होते हैं वो ज्यादा इंटेंस होते हैं, यानी कि उसमें वो बिजार क्वालिटी, वो फैंटास्टिक क्वालिटी, रियलिटी से दूर होने की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। उनके डिल्यूजन आप सिंपली कहेंगे और ज्यादा अजीब होते हैं कंपेयर टू दीज पीपल। तो ये जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है वो ऐसा कहेंगे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरा बुरा चाहता है, लेकिन जिसे स्किजोफ्रेनिया होगा वो कहेगा एलियंस मेरा पीछा कर रहे हैं, आत्माएं भेज दी है मुझे परेशान करने के लिए। तो कुछ तरह का बिजार क्वालिटी होगा, इसमें भी बिजार क्वालिटी होता है लेकिन कम होता है, कम इंटेंस। तो इट इज मोर लाइक आप कह सकते हैं पर्सन गलत फहमी का शिकार है और वो उसके लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करी है, दैट इज डिल्यूजनल डिसऑर्डर। सिम्टम्स है DSM-5 के, ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 month होना चाहिए। इसके अलावा स्किजोफ्रेनिया के क्राइटेरिया मीट नहीं होने चाहिए, हेलुसिनेशंस नहीं होने चाहिए, अगर है तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होने चाहिए, तो वरना वो उस कैटेगरी में हम डायग्नोस कर देंगे स्किजोफ्रेनिया। इसके अलावा बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, बिलीवेबल है, जैसे हमने देखा। डी में हम देख लेते हैं कि मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स नहीं होने चाहिए, वरना हम स्किजो अफेक्टिव में डायग्नोस करेंगे, क्योंकि हम डिल्यूजन प्लस मूड प्रॉब्लम। और ई में इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मेडिसिन और ड्रग अब्यूज, और एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही है। अगला आ जाता है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये अगेन स्किजोफ्रेनिया के ही सिम्टम्स शेयर होते, तो सिम्टम्स वही है लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम है, स्किजोफ्रेनी फॉर्म से भी कम टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो हमने वहां देखा था स्किजोफ्रेनी फॉर्म एटलीस्ट 1 month, यहाँ पे 1 month से भी कम। तो वहां पे एटलीस्ट 1 month की कंडीशन क्यों थी, क्योंकि अगर 1 month से कम वो स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो हम कहेंगे पर्सन को ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के एक दो सिम्टम्स पेक्यूलियर है, सडनली आ जाता है, मतलब जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो ग्रेजुअली बिल्ड नहीं होते, वो सडनली अफेक्ट कर लेते हैं पर्सन को और थोड़े दिनों में चले जाते हैं, लेस देन 1 month, कभी कभी फ्यू डेज, लिटरली 4-5 days या 1-2 हफ्ते में ही चले जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, आप लॉजिकली ही सोचे तो कुछ स्ट्रेस हुआ होगा पर्सन के लाइफ में, जो वो सह नहीं पाया, एक्सट्रीम स्ट्रेस हो गया, ब्रेकडाउन पॉइंट जो आता है पर्सन का, तो आप देखेंगे मूड डिसऑर्डर्स में भी कभी कभी ब्रेकडाउन पॉइंट में नर्वस डिसऑर्डर जो हम कहते हैं डिप्रेशन हो जाते हैं, एंग्जाइटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पर्सन को
एक बहुत कम टाइम के लिए स्किजोफ्रेनिया हो जाता है, वो रियलिटी से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि रियलिटी बहुत ही स्ट्रेसफुल है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कोई ना कोई स्ट्रेसफुल रीजन मिलेगा कि कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड. DSM-5 के वही लक्षण है स्किजोफ्रेनिया वाले. बी क्राइटेरियन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, एटलीस्ट वन डे बट लेस देन अ मंथ, तो ही हम कहेंगे कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है. बाकी नॉर्मल DSM के क्राइटेरिया है. एक छोटा सा टॉपिक और है, वो कर लेते हैं, देन वी विल रिवाइज एन एंड फॉर टुडे. स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रेवलेंस रेट्स डिस्कस किए गए हैं, प्रेवलेंस रेट्स एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया. तो थोड़ी जानकारी जो आपको होनी चाहिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपको पता होना चाहिए कौन सा डिसऑर्डर कितना कॉमन है, मेल्स फीमेल्स में कैसा अलग होता है, तो आप ठीक से उससे समझ पाएंगे और ट्रीटमेंट्स जो है डिवाइस कर पाएंगे. स्किजोफ्रेनिया का प्रेवलेंस रेट बहुत कम है, ये हमने पहले भी चर्चा की थी. जो बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं उनका प्रेवलेंस थोड़ा कम होता है, जो कम सीवियर होते हैं उनका प्रेवलेंस ज्यादा होते हैं. तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, हम आगे देखेंगे, तो कम लोगों में रेयर होता है ये. और तो इसके लिए रेयर कितना है, किस हद तक, 1% से भी कम लोगों को होता है. अब 1% फिगर बहुत छोटा लगता है, जैसे कि एग्जैक्ट फिगर दिया गया 0.7, लगता छोटा है लेकिन नंबर्स में ट्रांसलेट कर लीजिए. ठीक है, तो अगर ये हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, ओके, या पूरी दुनिया की, आई डोंट नो ये कहाँ के स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन किसी भी देश में आज आबादी करोड़ों में होती है तो 0.7% कितना होगा किसी भी देश में, हजारों में तो एटलीस्ट होगा. तो लोगों को ये डिसऑर्डर होता है, सैकड़ों में हजारों में लोगों को ये डिसऑर्डर होता है. तो 1% मतलब इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल. वैसे भी किसी भी पर्सन की लाइफ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखें फिगर्स बहुत ज्यादा है, इवन इफ दे लुक स्मॉल. इसके अलावा आपको और एम्फसाइज करने के लिए कि किस हद तक ये डिसऑर्डर फैला हुआ है, 140 लोगों में से एक इंसान को होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लोगों को होता है जो 55 इयर्स तक जाती है, उन्हें स्किजोफ्रेनिया होता है. ये स्किजोफ्रेनिया के रेट्स हैं, बाकी डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जो हमने अदर साइकोटिक देखा था उनके रेट्स अपने होते, लेकिन आपके लेवल पे इट्स टू मच टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं. इसके अलावा कह रहे हैं, ऑब्वियसली ये जनरल पॉपुलेशन की बात हो रही, सामान्य लोगों में ये रेट्स है 0.7%, लेकिन कुछ लोग हैं जो खतरे में है ऑफ स्किजोफ्रेनिया, जिनके या तो जीन्स ऐसी है या एनवायरमेंट कंडीशंस बहुत खराब है, उन्हें हम कहते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन. आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी जब भी पढ़ रहे हैं, कोई भी रेट्स आपके सामने आते हैं, परसेंटेजेस फिगर्स स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आते हैं, आपको देखना होता है वो जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, सामान्य लोगों में से कितनों को, मतलब सबको ले ले तो कितनों को होगा, या रिस्क ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जिनमें ऑलरेडी चांसेस है ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डर, उनकी बात कर रहे हैं. सो जस्ट चेकअप, तो पहले बात की सामान्य लोगों की, अभी बात करें जिन्हें रिस्क है, उनमें ऑब्वियसली कह रहे प्रेवलेंस रेट्स हायर है, कितने हैं वो नहीं बता रहे, बट ये आप ध्यान में रखें कि उनमें हायर है, चांसेस ज्यादा है. ये कौन से फैक्टर्स है आगे हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स और डिटेल में, बट आपको यहाँ पे ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दिया गया है जिनके पेरेंट्स को स्किजोफ्रेनिया है. क्योंकि दो बातें होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट जीन्स में आ जाएगा स्किजोफ्रेनिया, दूसरी बात एनवायरमेंट बहुत डिस्टर्ब होगा पर्सन का. तो एक बच्चा रह रहा है विद पेरेंट्स जो अनरियल बिहेवियर्स दिखा रहे हैं, असर तो होगा ही उस पर, तो ही इज एट हाई रिस्क. ओके, तो ऐसे लोगों का बोल रहे हैं प्रेवलेंस रेट्स बहुत ज्यादा होगा. आगे हम देखेंगे ये सब कॉजेज में. एक स्टडी की गई है, उसमें आप देख सकते हैं हर 3 आदमी जो है जिन्हें स्किजोफ्रेनिया होते हैं, मेल्स पुरुषों को, हर 3 पुरुषों को स्किजोफ्रेनिया के बदले 2 औरतों को स्किजोफ्रेनिया होते हैं. यानी रेशियो, जेंडर रेशियो इज 3:2. आदमियों में 3 times स्किजोफ्रेनिया है, औरतों में 2 times. तो आप देख सकते हैं मतलब 1.5 times ज्यादा है इन मेन देन कंपेयर टू वुमेन. तो हम कह सकते हैं ओवरऑल पुरुषों को ज्यादा चांस है डेवलपिंग स्किजोफ्रेनिया. क्यों जेंडर्स में अंतर होता है, अगेन डिपेंड्स, हम आगे देखेंगे, मोस्टली जीन्स की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी इन्वायरमेंटली भी दोनों जेंडर्स का इन्वायरमेंट अलग होता है. इसलिए जैसे आपने डिप्रेशन में भी देखा होगा मेल्स में ज्यादा होता है, तो रीजंस यही होते हैं. इसके अलावा बोल रहे हैं और भी जेंडर के अंतर अगर हम देख ले तो फीमेल्स जो है उनमें लेट ऑनसेट होता है, उनमें
कैसे होगा, एडल्टहुड में ही आएगा स्किजोफ्रेनिया जो नॉर्मली आता है, लेकिन एज थोड़ी लेट होगी। जैसे आदमियों में अगर 25 इयर्स तक आ रहा है तो औरतों में 28 इयर्स तक सपोजिंग आएगा। क्यों ऐसा होता है? एक हॉर्मोन है एस्ट्रोजन, वो फीमेल्स में पाया जाता है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्शनल हॉर्मोन। वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है फॉर स्किजोफ्रेनिया, वो औरतों को बचाए रखता है फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया। लेकिन जैसे औरत मेंस्ट्रुएशन की एंड की तरफ आ जाती है, यानी शी गोज टूवर्ड्स मेनोपॉज, मेनोपॉज तो बाद में आता है लेकिन शी स्टार्ट्स गोइंग टूवर्ड्स इट, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक होने लगता है, तो एस्ट्रोजिन की प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाती है इस हॉर्मोन की, तो प्रोटेक्शन चला जाता है जो एस्ट्रोजिन की वजह से था, वो धीरे धीरे जाता होता है, तो जैसे वो जा रहा होता है तो स्किजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ते जाते हैं, लाइक अ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये जो सारे फैक्ट्स एक बुक से लिए गए हैं जो पियर्सन की बुक है, मुझे भी ऑथर्स के नाम नहीं याद आ रहे, ये बहुत डिटेल में आपको उस बुक में मिल जाएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी नाम ऐड करने का। सो लेट्स कम टू रिवाइजिंग अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है वो हम देख रहे हैं स्किजोफ्रेनिया, बिसाइड्स स्किजोफ्रेनिया विच आर द डिसऑर्डर्स व्हिच कम इन द साइकोटिक और द स्किजोफ्रेनिक सिम्टम्स और स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स। स्किजोफ्रेनिया इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और मेजर डिसऑर्डर इन द साइकोटिक डिसऑर्डर्स कैटेगरी, बट देर आर अदर डिसऑर्डर्स ऑल्सो विच शेयर आइदर ऑल और सम सिम्टम्स विद स्किजोफ्रेनिया। इफ दे शेयर ऑल द सिम्टम्स दे वेरी इन ड्यूरेशन फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया इन टर्म्स ऑफ द डिसऑर्डर, and if they don't share all the symptoms, their durations and symptoms both can be different, like there can be some overlap or some disorder, some symptoms seen in these disorders. So on that basis also we have other disorders similar to schizophrenia, they are known as other psychotic disorders. So here the first one of this type is schizophreniform disorder. This has exactly the same symptoms of schizophrenia, with the only difference being the duration of the symptoms. So here you can see that this disorder will last for about 6 months in the person. Okay, it will not exceed 6 months, otherwise it will be diagnosed as being schizophrenia. It's also not less than 1 month in duration, otherwise it goes in the brief psychotic disorder category. If a person suffers from schizophreniform disorder, we give him a provisional diagnosis for schizophrenia, meaning that he's at a very high risk of developing schizophrenia in future. So psychologists will keep that in mind. Okay, we have the DSM-5 criterion, which is all about what we've discussed. The only thing, we have to be careful, the person should not have mood symptoms or mood episodes along with these symptoms of schizophrenia. Otherwise, he belongs to the next category, which is schizoaffective disorder. In this schizoaffective disorder, which is a combination of schizophrenia and mood disorders, you will find that the person has psychotic symptoms, but the major symptoms are mood disorder symptoms. So the person is either suffering from bipolar disorder or depression, and this bipolar or depression episodes are seen in both the active phases of psychotic symptoms like delusions and hallucinations, as well as in the residual phases when these delusions are not very common. At both times we should see the mood symptoms. Then the person is said to have schizoaffective disorder. This disorder is very hard to diagnose in real life. Nonetheless, it is having a very poor prognosis, so it's a very concerning disorder, because if a person has this disorder, there is severe lack of motivation for the person to try and recover from this disorder. So he'll not be very cooperative in treatment. Next is delusional disorder. In a delusional disorder, the person shows prominently and mainly only the characteristics of, only the symptom of delusion. If at all he shows other symptoms of schizophrenia, they are secondary, they are not very intense and not very frequent. Also, the quality of delusions is different from what we see in schizophrenia. They are less bizarre, they are more believable. On the surface, they look quite believable. Nonetheless, they are not true. They are false beliefs, and there is contrary evidence for what the person believes. Nonetheless, he does not accept it, which is characteristic of delusions. This delusional disorder can be of different types based on the nature of delusions the person is prominently experiencing. So it can be of a persecutory type, erotomania type, jealousy type, somatic type, or mixed type if symptoms of two or more delusions are being seen in combination. Okay, the DSM-5 criterion again is quite obvious, but
Nonetheless, we can see that duration should means at least for 1 month the person should suffer from delusions and he should not meet the other symptoms of schizophrenia. He should not meet the diagnosis of schizophrenia. Then finally, we have what is called deep psychotic disorder. This is a disorder in which schizophrenia symptoms, exact symptoms of schizophrenia are seen for a very, very short time, for a period of less than 1 month, at least a day, but less than 1 month. These psychotic symptoms strike the person suddenly. They go on for a few days or few weeks, and then the person returns to normal functioning. Often is the case that the person is suffering from an extremely stressful circumstance in response to which he develops these symptoms. Okay, again, if it lasts longer, it will be diagnosed as schizophrenia form, and if even longer, it will be diagnosed as schizophrenia. So these are the various other psychotic disorders. Then we have some statistics, some prevalence rates have been given to us. Prevalence rates, in the sense, what is the demographics and what is the existence of the disorder in the general population, that has been given, and some note has been made of how this disorder occurs in high-risk populations. So beginning with general population, the rates of prevalence of schizophrenia is quite low. It's 0.7%. 1 person out of every 140 individuals who lives up to 55 years of age suffers from schizophrenia. In statistically high-risk groups, which are those groups in which parents have schizophrenia, the prevalence rates are higher than 0.7%. In terms of gender ratio, it is found to be 3:2. For every 3 men suffering from schizophrenia, 2 women are suffering from schizophrenia. In women, not only are the prevalence rates lower than men, but also the age of onset is later than that of men, because the female reproductive hormone estrogen is found to have protective properties against schizophrenia. So, as the production of estrogen starts declining in a woman, she becomes increasingly susceptible to schizophrenia. But before that, in younger age, she's quite protected because of the role of estrogen. These statistics are, like I told you, I'll recommend one reading here. So they are found in a Pearson's Clinical Psychology book, that abnormal psychology book. So I'll just try to give you the name. Please read that, it's been given in detail. Okay, so that is it is the book by Whitborn and Halgen. Again, I'm not sure this is, sorry, it's the book by Hule, Butcher, Nock and Minnick. That is the book in which you will find these statistics with thorough explanation of high-risk groups, low-risk groups. So do take it up as reading, because here it's covered in very brief. I feel that there is a need for at least some more understanding. So with an independent reading against this background, you will be able to understand on your own, if you take up an independent reading of what these statistics mean in detail, you'll be able to understand, and that is very useful for further understanding this disorder. Okay, then we have, from next class onwards, which students find more interesting, we are going to see what are the causes of schizophrenia and what are the treatment. Okay, what is the treatment? Students find, that is, they tell me that is what they want to know about, why it happens and how we can treat it. Nonetheless, this background, if you don't understand what the disorder is in the first place, you will not understand the causes and the treatment. So this is extremely important, even if it is not so interesting. This is your base of understanding how to deal with the disorder. You can't jump to application unless you know the theory. So far what we have seen is our foundation. We have only seen till now in this very lengthy discussion, we have only seen what is schizophrenia. So because it's a very complex disorder, it takes a lot of time to understand. Nonetheless, the understanding is very important if we are to deal with the disorder. So I'll see you next time with a new class. Next time we are going to start with the causes of schizophrenia. So thank you for being with me, and thank you for watching this video.